नमस्कार, आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ इरम फातिमा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की तरफ। विद्युत विभाग की लापरवाही से गई दो बेकसूर जानवरों की जान। खबर है कन्नौज के कस्बा मलिकपुर से। विद्युत हाई टेंशन लाइन 11,000 के तार टूट कर नीचे गिरने से दो भैंसों की जान चली गई, जिसके चलते घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले कि मलिकपुर में बरसों पुराने तार पड़े हैं, जिसके नीचे आबादी क्षेत्र है। नागरिकों की लाख शिकायतों के बावजूद भी लाइन नहीं बदली गई, जिसका खामियाजा दो बेकसूर जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौके पर डायल 100 की टीम ने पहुंचकर पीड़ित घर वालों को जल्द ही कार्रवाई करने की सांत्वना दी। लाइनमैन से मैंने कहा कि जो है ये सही कर दो, जो ठेकेदार आरती लाइन थे जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है अभी नहीं, जब तक पूरा काम नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, एक ही दिन मटेरियल भर के लाएंगे, पूरा जाल बांधेंगे, उससे पहले नहीं हम बांध पाएंगे। उनसे ये कहना है ये नुकसान हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? फिर तुम्हारी लापरवाही से ये सब हादसा हुआ ना। हमने कहा था उनसे, लेकिन नहीं। और एक भाई साहब और थे, ये थे, इनके सामने मैंने जबकि कहा था, चाहे इनसे पूछ लीजिए अपने जी। क्या नुकसान क्या हो गया सर? ऐसे जो है तार से 11,000 लाइन टूट के गिरने पे जो है। अच्छा, लाइन पुरानी थी क्या? पुरानी थी जी। मैंने दो दिन पहले से उनकी योगेंद्र की ड्यूटी थी जी, पावर हाउस पे, वहाँ पे मैंने फोन किया था। उसके बाद में एक बंदा और था, वो सुभाष नाम का है मेरे गांव का, उससे जो है मैंने, उसकी भी कॉल फ्रेंड पे बात हो रही थी जी। तो मैंने कहा कि इसे जो है दो दिन बाद या आज सुबह दिखवा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद में मैंने लाइनमैन से भी कहा था, विजय कुमार से वो, तो उन्होंने भी नहीं सुना। और उसके बाद में जब परसों वाले दिन यहाँ पे आए थे, तो हमने दिखाया हम कि भैया ये तार थोड़ा सही कर दो, रोड पे है मामला। तो उन्होंने नहीं सही किया। और आज जो है अभी लाइट आई, उसके बाद में मेरी बहन से दो मरे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? क्या हुआ, क्या 11,000 तार टूट गए हैं, ये लाइनमैन के कहे हैं, लाइनमैन के कहे, वो सुनी नहीं रहे। अच्छा, क्या नुकसान क्या हुआ? दो भैंसे मर गई है। अच्छा, तो उसे प्रशासन को खबर किया आपने? प्रशासन से खबर किया, लाइनमैन को मैंने फोन किया जी, उसने सुनी नहीं। उसने कह रहा है कि का नाम बाद में देखेंगे, पहले पोस्टमार्टम करा, बाद में जो होगा देखेंगे। मौके में पोस्टमार्टम के लिए बता रहे हैं? हाँ, बता रहा हूँ। उसका कहें कुछ करके देखो आके, तो मना कर रहा है, बता रहा हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा, मना कर रहा है। लाइनमैन का नाम पता है? लाइनमैन का नाम नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, फोन किया था आपने अभी? पावर हाउस फोन किया था। क्या बोल रहे वो? वो बता रहा है कि पोस्टमार्टम भैंसों को कराओ और हम आ नहीं।